अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ अमोनिया या हेबर बॉश प्रोसेस। हेबर बॉश प्रोसेस के जरिए अमोनिया गैस किस तरह तैयार की जाएगी, ये हमारा टॉपिक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3। तो इस तरीके का में मिक्सचर लिया जाता है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, जिसे हम यहाँ हिसाब से फीड करेंगे। मैं आपको इसकी वजह करूंगा। तो 1:3 के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया जाता है। बायोमोलियम इज अलाउड टू रिएक्ट, तो इसको रिएक्ट कराया जाता है। देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर लेते हैं 1:3 के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस तरह का रिएक्शन जाहिर करें तो क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है, जिसमें रिटर्न प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिटर्न में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो हमने मिक्सचर लिया इस टावर में, तो क्या इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको इसके लिए चाहिए होगा। और उसके लिए प्रेशर कितना चाहिए होगा, पी प्रेशर 200 से 250 तक हमारे पास एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर चाहिए होगा। अमोनिया बनाने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या कहलाता है, आपके पास आयरन का कैटलिस्ट Fe2O3, इसके साथ आपको Al2O3 और पोटेशियम डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगी। अब जरा देखिए, टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया टेम्परेचर शुड बी 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होगा। ये रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि अमोनिया के इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार की जा सके। डेड प्रेशर शुड बी 200 से 250, 200 से 250 तक आपको इसके लिए प्रेशर चाहिए होगा एटमॉस्फेयर में। और ये आपको आयरन का कैटलिस्ट Fe2O3, ये आपको आयरन का कैटलिस्ट इसके लिए चाहिए होगा विद स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 या K2O पोटेशियम डाइऑक्साइड। यानी अमोनिया ऑक्सीजन इज लिक्विफाइड बाय कूलिंग। तो ये इसका कुछ प्रोसीजर है, मैं अभी इसकी डायग्राम के जरिए वजह कर देता हूँ। देखिए ये आपके पास एसिड है, जहाँ से आप H2 और N2 का मिक्सचर क्या करेंगे, फीड करेंगे इस टावर के अंदर। अब जब जाहिर सी बात है, ये टावर क्या करता है, ड्राई करता है और कंडेंस करता है। जिस समय इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन में बात की थी कंडेंसर और ड्राई पर, तो कंडेंस करेगा। अभी कंडेंस करने के बाद जो है मिक्सचर को यहाँ इस टावर में भेज देगा। ये कैटलिस्ट चैम्बर कहलाता है, क्या कहलाता है, कैटलिस्ट चैम्बर कहलाता है। कैटलिस्ट काम क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्लो कर देता है। तो हमारे पास क्या है कैटलिस्ट, अब जहाँ का जब टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जब यहाँ इस चैम्बर से जो मिक्सर होगा वो इस चैम्बर में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ठंडा किया जाता है, पानी की शावरिंग की जाती है, इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। तो इस पर टेम्परेचर 400 तक या 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस तरह जो ना अमोनिया जो तैयार हो चुकी होगी सोल्यूशन फॉर्म में, अमोनिया का सोल्यूशन हमें हासिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पर हेबर बॉश ने अमोनिया गैस तैयार करके दी थी। ये तो सबसे पहले जो इस तरीके से अमोनिया गैस तैयार की थी वो हेबर ने तैयार की थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया भी देखते हैं, अमोनिया की तबीयी खसूसियात क्या क्या होती हैं। देखिए इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हमने अमोनिया कैसे तैयार कर ली, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, जबकि लेबोरेटरी लेवल पे जो हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं उसमें हमें कम अमाउंट चाहिए होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार करने की जरूरत पेश आती है। तो इसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अमोनिया की तरह देख लीजिए। अमोनिया की जगह कलरलेस गैस विद पंजक स्मेल, चुपती भी, पंजक माने चुपती भी, नापसंदीदा इसकी स्मेल होती है। और आपने लेटर बनाई होगी तो आपको इसका अंदाजा होगा। नंबर टू देखिए, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होती है। ये इसकी सोल्यूबिलिटी टेस्ट आप करेंगे प्रैक्टिकल में तो आपको पता चल जाएगा। इजिली लिक्विफाइड इन टू कलरलेस गैस, तो इजिली लिक्विफाइड हो सकती है। हर चीज का, हर गैस का पार्ट ऑफ लिक्विफिकेशन होता है, जिससे मैंने आपको नाइट्रोजन गैस का बताया था, ऑक्सीजन वगैरह का, नाइट्रोजन वगैरह का, तो हर किसी का पार्ट ऑफ सोलिडिफिकेशन भी था, पार्ट ऑफ लिक्विफिकेशन भी होता है। तो इसकी डेंसिटी देती है, नंबर फोर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 0.880 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी जो डेंसिटी है 0.880 होती है अमोनिया की। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह थी।